सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बीएससी एजुकेशन लर्नर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएससी केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आज का टॉपिक है अबाउ सिद्धांत, अबाउ थ्योरी। सो इस थ्योरी में बताया गया है कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना प्लैंक्स ऑफ ऑर्बिटल्स अबाउ सिद्धांत, अबाउ प्रिंसिपल कहा जाता है। जर्मनी भाषा में अबाउ शब्द का अर्थ होता है निर्माण। अबाउ सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, अर्थात कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरा जाता है और अधिकतम ऊर्जा वाला कक्षक सबसे बाद में। विभिन्न कक्षकों की सापेक्ष ऊर्जा एन प्लस एल के मान द्वारा निर्धारित की जाती है। पहले एन प्लस एल के कम मान वाला कक्षक भरा जाता है और उसके बाद n प्लस एल के अधिक मान वाला कक्षक, जैसे 4s तथा 3d कक्षकों के लिए n प्लस एल के मान क्रमशः 4+0=4 तथा 3+2=5 होंगे। अतः 4s कक्षक से पहले 3d कक्षक में भरा होगा। इसी प्रकार 4f तथा 6s कक्षकों के लिए n प्लस एल के मान क्रमशः 4+3=7 तथा 6+0=6 होगा। अतः 4f कक्षक में भराव 6s कक्षक भरने के बाद होगा। यदि दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान समान हो तो नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाता है जिसके लिए n का मान न्यूनतम है। उदाहरण के लिए 4p तथा 3d दोनों कक्षकों के लिए n प्लस एल के मान =5 है, परंतु इनमें से 3d के लिए n का मान n=3 कम होने के कारण 4p से पहले 3d में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इसकी प्रोसेस भी बनाई गई है, जैसे पहले 1s फिर 2s फिर 3s फिर 2p है सेकेंड थर्ड लाइन पर, फिर 4s फिर 3p फिर 5s 4p 3d। ये प्रोसेस है इसका, और इसका ये प्रोसेस का नाम है कक्षकों के बढ़ते ऊर्जा क्रम का निर्धारण। उस प्रोसेस पे ये भी डिफाइन किया गया था 1s लेस देन 2s लेस देन 2p से लेकर लेस देन 7d तक। सो ये टॉपिक यहीं तक एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।